आज हम लोग 12th बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाने वाले हैं। आपने मेरा आईआईटी जेई वाला वीडियो देखा होगा, उसमें खास बात यह थी कि जब भी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट सीखते थे तो उसको काफी डेप्थ में सीखते थे वहां पर, क्योंकि आईआईटी जेई के प्रिपरेशन के लिए हमें काफी डेप्थ में नॉलेज की जरूरत होती है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में हम लोग वहां पर समझते थे। यहां पर हम लोग जो है केवल 12th बोर्ड के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और इसलिए यहां पर हमें उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली जो है एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में जो डिफिनीशंस दिए होंगे, जो टर्म्स दिए होंगे, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं या जो डेरिवेशंस होते हैं, उन्हीं को हम लोग यहां पर समझेंगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में नहीं जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें उसके बेसिक्स को समझना होता है, उसके बैकग्राउंड में जाना होता है, तो थोड़ी बहुत लिबर्टी हम लोग लेंगे उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर किसी बेसिक की जरूरत होगी तो उस बेसिक को पहले सीखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि स्ट्रिक्टली जो है एनसीईआरटी को फॉलो करें। यहां पर हम लोग एक चीज का और ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी ये वीडियो आप देखें तो कम से कम समय में बोर्ड का प्रिपरेशन कर सके, है ना। इसलिए यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो एनसीईआरटी में जो डिफिनेशंस दिए गए हैं या जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स को मैं पहले ही यहां पर लिख दूंगा। मैं वो लिखने में यहां पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, इसलिए क्या करूंगा कि वो जो टर्म्स हैं, जो डिफिनेशंस हैं, वो पहले से मैं यहां पर लिख दूंगा, फिर मैं उसको यहां पर डिटेल में या जो भी कर सकते हैं समझाने के लिए मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको रे ऑप्टिक्स कहा जाता है या इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाया गया है। हम लोग यहां पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और जो प्लेन मिरर होता है उससे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी हम लोग यहां पर लेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर रिफ्लेक्शन एक टर्म लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पहले से मैं लिख दूंगा, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहला टर्म है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से पहले हमें यह समझना होगा कि जैसे कोई लाइट है, जब भी किसी होमोजीनियस मीडियम में चलता है तो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस मीडियम का मतलब यह होता है कि जो मीडियम है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, ना उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मीडियम आता है, यानी कि मीडियम चेंज हो गया या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो लाइट जो है उस ऑब्स्ट्रक्शन से या दूसरे मीडियम से टकराकर वापस पहले वाले मीडियम में आ जाता है, और इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये जो पहला टर्म है रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं, कुछ कुछ हमें आइडिया भी है, लेकिन एग्जैक्टली जो है इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि जब किसी ऑब्स्ट्रक्शन से या किसी दूसरे मीडियम से टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाएगा तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दो होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, तो वन बाय वन हम लोग दोनों को समझेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। देखेंगे यहां पर एक स्मूथ सरफेस दिखाया गया है। इस स्मूथ सरफेस पर इधर से इंक्लाइन कुछ लाइंस दिख रही हैं। ये एक्चुअली में इंसिडेंट लाइट है, है ना। इंसिडेंट लाइट जो है वो इधर से ऐसे इंसिडेंट हुआ है। ये देखेंगे जितनी भी लाइट रेज है ये म्यूचुअली पैरेलल है, यानी एक दूसरे के पैरेलल है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज दिख रही हैं, जो कि इस तरह से इंक्लाइंड है ऐसे, है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो हैं, ये भी म्यूचुअली पैरेलल हैं, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां भी जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वह वैलिड है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई सरफेस स्मूथ हो, ये स्मूथ सरफेस है, तो अगर म्यूचुअली पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो म्यूचुअली पैरेलल ये रिफ्लेक्ट भी होती हैं। ठीक,
जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है ये रफ सरफेस पर होता है। जैसे रफनेस को दिखाने के लिए मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, देखेंगे कि यहां पर भी ये जो लाइट रेज हैं, ये जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, ये म्यूचुअली पैरेलल हैं, ठीक है। ये सारी लाइट रेज म्यूचुअली पैरेलल ऐसे इंसिडेंट हो रही हैं, जिस तरह से इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही थी बिल्कुल उसी तरह से इस पर भी म्यूचुअली पैरेलल इंसिडेंट हुई है, है ना। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो म्यूचुअली पैरेलल नहीं है। देखेंगे जो पहला इंसिडेंट लाइट है ये आया ऐसे है और रिफ्लेक्ट हो गया यहां पर ऐसे, ठीक। दूसरा वाला जो लाइट है वो इंसिडेंट ऐसे हुआ है लेकिन रिफ्लेक्ट हो गया इधर, ठीक। देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट लाइट थे दोनों पैरेलल थे, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों जो है वो पैरेलल नहीं है। उसी तरह से अगर बात करें तीसरा जो इंसिडेंट लाइट है वो भी इन दोनों के पैरेलल था, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो यहां से चले गया इधर। तो ये तीन रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिनको मैंने अभी यहां पर बताया, तीनों में से कोई भी पैरेलल नहीं है, ठीक। इसी तरह से फोर्थ वाला देखेंगे, फोर्थ वाला इधर चले गया रिफ्लेक्शन के बाद। तो इस तरह से सब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के ये जा रहे हैं ऐसे, है ना। कोई इधर भी जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इंसिडेंट लाइट रे सारी पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो पैरेलल नहीं है, सब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो है ये हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक। इसमें जो इधर से आ रही हैं ये इंसिडेंट लाइट था, ये इंसिडेंट लाइट रेज थी जो ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, और जो इधर से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे इंक्लाइन दिख रहे हैं ये हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वाले केस में देखें तो इंसिडेंट लाइट जो है वो सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, इंसिडेंट लाइट, है ना। जबकि रिफ्लेक्टेड वाले जो है सब इधर उधर हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं, है ना। रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होता है वो रफ सरफेस पर होता है, ठीक। यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जैसे डेली आप कई सारे ऑब्जेक्ट देखते होंगे, कई सारे ऑब्जेक्ट्स के इमेज देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस कारण से हमें दिखता है, मतलब ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट हमें दिखे, या उस ऑब्जेक्ट का जब हम लोग इमेज देखते हैं किसी मिरर में तो किस कारण से वो इमेज दिखता है या किस कंडीशन में हमें दिखता है, है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। समझने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, जैसे ये चौक है, इसको मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है तो इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलनी चाहिए और हमारी आंख तक पहुंचना चाहिए, है ना। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का दिखना जो है, ऑब्जर्वर को जो दिखना है, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलना चाहिए और ऑब्जर्वर का जो आंख है वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर उस लाइट को बीच में कहीं भी रोक लिया जाए तो फिर ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। बीच में अगर मैं हाथ लगा देता हूं तो यहां से आने वाली लाइट को मैंने रोक लिया है और इसलिए ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। उसी तरह से जब हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना हो, मान लिया कि जो बोर्ड है इसको थोड़ी देर के लिए मिरर मान लेते हैं, ये मिरर है और इस चौक का इमेज हमें इसमें देखना है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि यहां से लाइट निकलेगा, इस मिरर पर जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस मेरी आंख तक आना चाहिए। मेरी आंख तक आएगा तभी इसका इमेज जो है मुझे इस मिरर के पीछे दिखेगा। तो यहां भी कंडीशन वही है, इमेज देखने के लिए भी कंडीशन वही है कि लाइट जो है ऑब्जेक्ट से निकलना चाहिए और मिरर से रिफ्लेक्ट होते हुए आंख तक पहुंचना चाहिए। यहां भी अगर लाइट को जो कि मिरर पर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इसको कहीं भी अगर रोक लिया जाए तो फिर हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे नहीं दिखेगा, है ना। तो ये कंडीशन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट देखना हो या इमेज देखना हो उसका, हमेशा ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके जो है हमारी आंख तक पहुंचना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अब ये है कि जो इमेज बनता है, जैसे ये मिरर हो गया, इसका इमेज बन रहा है, तो उस इमेज की जो क्लैरिटी है
वो डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा लाइट जो है यहां से निकल करके और यहां से टकरा करके हमारी आंख तक पहुंच रहा है ना। अगर ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट होगा, यानी खूब सारा लाइट यहां से निकल करके वहां जा रहा होगा, फिर हमारी आंख के पास आ रहा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। अगर ये डार्क ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट बहुत ही कम जा रही है ना, बहुत ही कम जा रही है, तो हमारी आंख के पास भी कम आ रहा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज दिखेगा हमें उसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी, या हो सकता है कि बिल्कुल अंधेरा दिखे। अगर लाइट यहां से नहीं जा रहा होगा, बहुत थोड़ा जा रहा होगा, तो उसका इमेज हमें दिखेगा नहीं, है ना। तो इमेज की इंटेंसिटी एक इस तरह से भी कम हो सकती है कि जैसे मिरर होता है, आपने देखा होगा कि मिरर के पीछे जो है एक सिल्वर्ड फेस होता है। सिल्वर्ड क्या रहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाए, है ना। अगर वो सिल्वर सरफेस नहीं लगाया जाए तो क्या होगा, ज्यादातर लाइट जो यहां से जाएगा वो मिरर को पार कर जाएगा, क्योंकि सिल्वर सरफेस है नहीं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जो लाइट है वो ट्रांसमिट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट बहुत ही कम होगा, फिर उस केस में हमें इमेज नहीं दिखता है। तो इमेज क्लियर दिखने के लिए जरूरी यह है कि ऑब्जेक्ट से खूब सारा लाइट निकले, मिरर से खूब सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो और हमारी आंख तक ज्यादा से ज्यादा लाइट पहुंचे, तब इमेज की क्लैरिटी जो है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक, अब आते हैं वापस यहां पर, है ना। यहां पर जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मिरर जो है, मिरर में हम अपना इमेज देख सकते हैं, लेकिन जो है दीवार में या बोर्ड में अपना इमेज नहीं देख सकते। क्यों? कारण यही है कि जैसे मिरर जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, स्मूथ होता है तो वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जैसे यहां पर हुआ है, है ना। तो ये जैसे स्मूथ सरफेस हो तो इस स्मूथ सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन से होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर का मान लेते हैं कि ये आईज हैं, मतलब ये आई लेंस है, ठीक है, तो देखेंगे कि यहां से लाइट आया है और रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर इस आई लेंस पर कई सारे लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो रही है, इस आई लेंस पर पड़ रही है, ठीक है। जबकि यहां पर देखें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, अगर मैं यहां पर ऑब्जर्वर का आई लेंस बनाकर दिखाता हूं, है ना, तो आप देखेंगे कि आई तो खूब सारी लाइट रेज हैं, इंसिडेंट खूब हुई, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद बहुत ही कम लाइट यहां पर आई लेंस पर पहुंच रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि दो ही लाइट रे पहुंच रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो लाइट है वो इधर उधर चले जा रहा है। यहां पर ज्यादातर लाइट जो है, चूंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बहुत सारा लाइट जो है यहां पर जा रहा है। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर जो इमेज बनेगा उस इमेज की इंटेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा होगी, है ना। ज्यादा होने का मतलब क्लियर इमेज दिखेगा, और इसीलिए कहते हैं कि जो मिरर है, मिरर में हमारा इमेज दिखता है, क्योंकि वहां पर इमेज की जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रिटर्न होकर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख तक आता है। जबकि दीवार में कहें या बोर्ड में कहें तो वहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो रफ सरफेस होते हैं, बोर्ड भी रफ होता है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें दीवार भी रफ सरफेस होता है, तो वहां पर जो लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हमारे आंख के पास रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट आता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो इमेज की इंटेंसिटी भी कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो बोर्ड है या दीवार है हमारा इमेज नहीं बनाता, इमेज वो भी बनाते हैं, लेकिन जो इमेज बनाते हैं उस इमेज की इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहां से आने वाली लाइट जो है बहुत कम होती है। जबकि मिरर में क्या होता है कि मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो खूब सारा लाइट टकरा करके वापस आंख तक आता है, इसलिए क्लियर इमेज हमें दिखता है। ठीक, अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसमें दो लॉज होते हैं। पहला लॉ होता है, इसमें कहा जाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। तो इसका जो मतलब है इसको मैं यहां पर एक फिगर से समझाता हूं। देखेंगे यहां फिगर बनाया हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है. इसको मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक, तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं. ये जो सेम प्लेन है, एक ही प्लेन है, वो प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या इंक्लाइन भी हो सकता है ना. जैसे केस लेते हैं, मान लेते हैं वहां पर कोई बल्ब है और बल्ब से लाइट आ रहा है, इस बोर्ड पर आया और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चले जाएगा. तो आप देखेंगे कि यहां पर इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रहा है, नॉर्मल जो है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जा रहा है. तो ये जो तीनों है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी एक प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में होंगे तीनों, लेकिन ये प्लेन यहां पर वर्टिकल नहीं है, कुछ इंक्लाइंड है. ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, है ना, इंक्लाइंड है. ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं. ठीक, ये ध्यान रखना है. अब जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे डायग्राम में देखेंगे आप, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. तो जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, चाहे प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, तो वहां पर जब भी हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हमेशा वैलिड होने चाहिए. ठीक है, तभी हमारा जो आंसर है या जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो हमेशा सही आएगा. इस रे ऑप्टिक्स चैप्टर में दो तीन ऐसे टर्म हैं जो कि बार बार यूज में आते हैं. वैसे इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं या उनका फीलिंग जो है हमें पता है, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में उनका डिफिनेशन क्या होता है सबको सही तरीके से पता नहीं है, और इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. जैसे एक तो टर्म है मिरर, मिरर के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, ग्लास का बना होता है और इसका एक फेस जो है रिफ्लेक्टिंग फेस होता है और दूसरा फेस जो है वो सिल्वर्ड होता है. जैसे ये फेस है सिल्वर्ड कर दिया, मतलब कि लाइट रे जो है वो इधर से आएगा, ये वाला फेस जो है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग फेस. इस साइड से लाइट इस मिरर पर इंसिडेंट होता है और दूसरा साइड में क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि इधर से सिल्वर्ड किया होता है और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के इसी साइड में आ जाता है. तो ये हो गया मिरर. ठीक, इसके अलावा एक टर्म होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा जो टर्म है वो है इमेज. ऑब्जेक्ट और इमेज जो वर्ड है ये बार बार आता रहता है. तो वैसे हमें देखने में तो लगता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमें समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल जो उसका डिफिनेशन है वो समझना ज्यादा जरूरी है अगर कॉन्सेप्ट को या प्रॉब्लम्स को बढ़िया से समझना है, करना है. तो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डिफिनेशन होता है वो ये होता है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंसिडेंट रेज. इंसिडेंट रेज का मतलब कहां पर इंसिडेंट रेज. जैसे हमेशा किसी ऑब्जेक्ट का जब इमेज देखना होगा तो हम लोग कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, चाहे मिरर हो या लेंस हो, है ना, इन दोनों में से कोई ना कोई एक हम लोग यूज कर रहे होते हैं. तो अगर मिरर होगा तो मिरर पर इंसिडेंट लाइट रेज जो आएंगी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना. और अगर लेंस की बात करें तो लेंस पर जो इंसिडेंट लाइट रेज होंगी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन. अगर फिगर में समझें हम लोग, जैसे मान लिया कि ये एक मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है ना. तो यहां से लाइट रे जा रहा है और रिफ्लेक्ट हो गया इधर, है ना. फिर एक ये लाइट रे गया, ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो गया वापस इसी डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, है ना. तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनता है. ठीक है, इस तरह से. लेकिन अभी हम लोग चूंकि ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह समझना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इस मिरर पर दो इंसिडेंट लाइट रे थी, एक ये और एक ये,
इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक और इंसिडेंट रे मैं ड्रॉ कर देता हूं, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे जाएगा। यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होगा, है ना, ये आई और आर इक्वल होंगे हर जगह पर, यहां भी आई और आर इक्वल होंगे, यहां पर आई भी जीरो है और आर भी जीरो है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रेज थे, ये तीन इंसिडेंट रे थे, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक और तरह से ऑब्जेक्ट यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये मिरर है और ये इंसिडेंट रे आ रहा है इधर से, ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है, मतलब दूर से आ रहे हैं और इधर आकर के पास में कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये मिरर के पहले मिल नहीं सकते, इनके मिरर के पहले इंटरसेक्शन इनका नहीं होता, मिरर के पीछे ये इंटरसेक्ट करते हुए लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पीछे यहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रेज है वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है। यहां पर आप देख सकते हैं इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है ना, क्योंकि लाइट रेज ऑब्जेक्ट से ही निकल रही होंगी अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो, ठीक, जबकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है, मतलब ऐसा लगता है कि पीछे मिरर के पीछे जाकर ये इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये है, इनको हमने एक्सटेंड करके यहां पर पीछे मिलाया है, एक्चुअली में जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो जब इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, जब एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर मैंने डिफिनेशन लिख दिया है रियल ऑब्जेक्ट का, जैसा मैंने यहां पर समझाया, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज व्हेन दे एक्चुअली इंटरसेक्ट। एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो रियल ऑब्जेक्ट, और इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन यहां पर, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज व्हेन दे अपीयर टू इंटरसेक्ट। एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं होती बल्कि इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है, तो उनको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के इमेज बन रहे हैं, आप देखेंगे कि यहां पर भी इमेज बन रहा है, लेकिन इमेज कैसे बन रहा है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इमेज कहलाता है। जैसे यहां से जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ था ये रिफ्लेक्ट हुआ इधर, है ना, यहां जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्ट हुआ इधर, अगर इन दोनों को पीछे की तरफ मिलाएं ऐसे, तो ये जाकर यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मिरर के पीछे तो लाइट रे जाएगा ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर हो रहा है। ये लाइट रे जो था, चूंकि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ था तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो इसको भी पीछे इंटरसेक्ट, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो जाकर वहीं पर मिलेगा। तो देख सकते हैं कि तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों जाकर के इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इमेज कहलाता है। अगर लेंस होता तो उसमें रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो होती, जो जो लेंस को पार कर जाती, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको इमेज कहते हैं। तो इमेज का जो डिफिनीशन होता है यहां पर मैंने बताया है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, है ना। जब हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट खोजेंगे, जब लेंस की बात करेंगे तो उसमें रिफ्रैक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन पॉइंट खोजेंगे, तो वो बताएगा इमेज, ठीक। तो इमेज जो होता है वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, लेकिन वो जो इमेज है वो भी दो टाइप का होता है, एक रियल होता है और एक वर्चुअल होता है। जैसे यहां पर देखेंगे कि यहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में पीछे जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो इनको एक्सटेंड करके हमने मिलाया है, मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही है, अपीयर हो रही है, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ था और रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, अगर
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अप्लाई करेंगे आई और आर, तो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया, ये जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ था ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस यहां गया, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहां पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है और इसलिए ये जो इमेज है इसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज, है ना। तो रियल इमेज का मतलब जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती है तो उसको रियल इमेज कहते हैं। तो पहले हमने सीखा इमेज का डिफिनेशन, है ना। डिफिनेशन ये है कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो पॉइंट इमेज होता है। एक्चुअली हम लोग यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट इमेज का डेफिनेशन देख रहे हैं, किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड इमेज का नहीं देख रहे, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट इमेज का डेफिनेशन है। तो ये हो गया इमेज का डेफिनेशन और रियल इमेज का डेफिनेशन, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज व्हेन दे एक्चुअली इंटरसेक्ट। जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल, और जब इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होंगे तो वर्चुअल, है ना। तो वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज व्हेन दे अपीयर टू इंटरसेक्ट। मतलब कि वर्चुअल वाले केस में ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करते बल्कि इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं, जैसा कि इस वाले केस में था। यह वर्चुअल इमेज था, यहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही थी। यहां वाला जो केस है इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट कर रही है और इसलिए ये रियल इमेज है, ठीक।